करूंगा यार, एक धोखे से बाहर आ जाए, एक धोखे से बाहर आ जाए। वो धोखा ये, अगेन मैं आज ये कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने लग गया हूँ आपसे, क्योंकि जब पेपर करीब आता है ना तो मेरी फिक्र बढ़ जाती है, और फिक्र बढ़ने का मतलब है, जाहिर सी बात है जब फिक्र है तो मैं जाहिर सी बात है फिर ऐसे बात भी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई मैं फाउल लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा ना, मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ बातें जैसे आप, मैं कह रहा हूँ कि धोखा क्या है, एक धोखा जो बचपन से चलता आ रहा है वो ये है कि 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट, ये धोखा है। क्यों क्यों नहीं सर, यही तो होता है, ये नहीं होता। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर पहला सवाल 20 मार्क का है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, 36 मिनट में करना है, कितने मार्क का भी है जो आपने पहला सवाल किया है, व्हाट्स एवर, चाहे 3 करें 4 करें 1 करें, ईमानदारी से बताएं क्या ये 36 मिनट में सवाल हुआ है आप तक? इतने सारे पेपर आप कैब से देते हुए आ रहे हैं, पहला सवाल कभी टाइम पे कंप्लीट हुआ है? मेजोरिटी बताएं प्लीज, टाइम ज्यादा लगता है कम लगता है? और हो भी सकता है, मैं ऑब्वियसली ये चैलेंज नहीं कर सकता, मगर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे पेपर दे के और लोगों से फीडबैक लेके, क्या लगा आपको? सीरियसली बताएंगे ज्यादा लगता है कम लगता है, कितना? नहीं जनरल बात कर रहा हूँ, या फिर BFD की बात नहीं कर रहा, FFR का पेपर दिया होगा कभी जिंदगी में, या कैब का भी कोई पेपर दिया होगा, कभी भी आपने नोट किया हो कि यार 10 मार्क का सवाल है 18 मिनट में हो जाना चाहिए? क्या ऐसा हुआ है कि जो इतने मार्क्स होते हैं उस टाइम में आप कवर कर लो, केज कर लो? पहला सवाल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्टार्ट हमेशा बहुत अच्छे चीज से करते हो ना, जो आसान चीज़ होती है, हमेशा 10 से 15 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं अल्लाह माफ करे उनका डबल टाइम लग जाता है, पहला पूरा पूरा घंटा एक एक सवाल पे लगाते हैं, वो तो बेवकूफ़ी है। तो मैं आपसे आज 2 बातें करने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में आपने पहला सवाल उठा लिया 20 मार्क का और आप 36 मिनट गुजर गए, ये मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है जब स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है कि सर मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, और मुझे उससे ज़्यादा अफसोस होता है जब मुझे अगला मैसेज करता है कि सर मुझे जो मैंने छोड़ा था वो मुझे आता था। ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, मेरी टोन से आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना, कि कितना अफसोस होता है, समझ में आई बात? तो यार सीरियसली स्पीकिंग, अगेन 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 मैंने कहा ना, आज के सेशन का मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने तजुर्बे की बेस पे सारी वो बातें कर दूँ आपसे, जो बातें मुझे पेपर के रिजल्ट वाले दिन बच्चों से करनी पड़ती है, कि यार ये किया था नहीं किया था, ये किया था नहीं किया था, फिर मुझे बता रहा था ये सर ये नहीं हो सका था, ये हो गया था। तो ये सारी बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ 20-22 दिन पहले, कि 20-22 दिन में अगर हम वो काम कर लें, हमारे 6 महीने बच जाएं यार किसी तरीके से, समझ में आई? क्योंकि मेजोरिटी आपने देखा रिजल्ट ऐसा नहीं है कि 50% 60% बच्चा पास हो रहा, ठीक है ना? तो खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई अगर 36 मिनट में नहीं हो रहा तो क्या करें सर, क्या करें भाई? आपके पास 2 चॉइसेस हैं, मैं आपकी जगह होऊंगा ना अगर पेपर में, और मैं ये करता था, ट्राई टू एंड इट विद इन 5 to 7 मिनट्स, अगले 5 से 7 मिनट में कुछ भी करके इसको क्लोज करें, अगले 5 से 7 मिनट में इसको कुछ भी करके क्लोज करें। जो आई कैप के हमारे दोस्त हैं जो पहले टीचर भी थे माशाल्लाह, उनका ये कहना है कि आप बच्चे को बोलें कि वो सवाल छोड़ दे, वो यहाँ तक बोल रहे हैं मुझसे। मैंने उनको बोला सर कॉस्टिंग का पेपर बहुत लंबा बनाते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चा नहीं कर पाता, तो खैर मतलब वो कॉस्टिंग का नहीं बनाते, मैं जनरल बात कर रहा था। तो उनका ये कहना था यार आप बच्चे को बोलो पूरा टाइम जैसी हो जाए ना, आप उसको बोलो ये सवाल छोड़ दे इस सवाल में, वो कहते हैं अगर उसने 36 मिनट क्वालिटी लगाए और बीच में नहीं रुका, बीच में उसने ब्रेक नहीं लिया सवाल के दौरान, बीच में वो नहीं रुका और उसका पेन चलता रहा, तो वो ये कहते हैं कि इसमें पैसिंग पासिंग मार्क वो निकाल चुका होगा, अब उसको चाहिए अगले सवाल के पासिंग मार्क्स निकाले। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं वो, आप वो कह रहे हैं मैं तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ कि अगर बच्चे ने 36 मिनट क्वालिटी लगा दी ना सवाल पे, क्वालिटी उसका टाइम लगा दिया, तो उसके पासिंग मार्क वो निकाल चुका है उसको छोड़ने। मगर मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ 5-7 मिनट कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप जो आपका दिल नहीं करता, आपका दिल करता है मैं पूरा करके आगे चलो, ठीक है? बस मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास, 5 मिनट में खत्म हो रही क्लास, ठीक है? मगर अगर आपको लगता है कि नहीं यार इफ इट विल टेक मोर टाइम, लीव इट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल पे पत्थर रख के ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। अब आप मुझे बताएं ये कब होगा? पता है जब आप एयरली पेपर में ये एक्सरसाइज करके जाएंगे, एयरली पेपर पे अपने आप को समझा के जाएंगे, एयरली पेपर भी अप्लाई करके जाएंगे, जिंदगी में पहली बार अगर आप ये सोच रहे हैं मैं पेपर में जाके ये अप्लाई कर दूंगा, आपकी सोच है, आपकी भूल है, आप कर ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ आपको इतने सालों के तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको, सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है?
या तो आपने 5-7 मिनट में कैच करना है या फिर आपने इसको छोड़ के अगले सवाल पे चले जाना है। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा और ये आपका अभी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी जब आप एली पेपर करेंगे। एली पेपर करने से आपको इतने फायदे होंगे मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। वो मैं ये नहीं कहूंगा एली पेपर करके गारंटी पेपर पास हो जाएगा, यार गारंटी की चीज की नहीं होती भाई, गारंटी अल्लाह ताला देते हैं, ठीक है ना। मैं कोई नहीं होता ये बात करने वाला कि यार मैं कहूंगे नहीं यार ऐसा है वैसा है, मैं तो सीरियसली स्पीकिंग समझता हूँ कि यार बस अल्लाह ताला ही है जो हमसे बुलवा देता है। ये मैं पता नहीं ये मैंने सेशन में क्या बात करनी थी मुझे नहीं पता था, और मैंने क्या बात कर दी मुझे मुझे अभी भी नहीं पता। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने जो मेरे जहन में डाला मैंने आपके सामने रख दिया, जो भी तजुर्बे की बेस पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो डाला है वो जहन में वो आपके लिए फायदेमंद दी है। अच्छा दूसरा काम आपने ये करना है, 2 मिनट के लिए मान लें खुदा ना खास्ता आपसे, या चलें ये कह लें कि चलो 36 के 45 मिनट लग गए मान लेते हैं चलें। अब आप मुझे बताएं, बस मैं एक बात करके क्लास एंड करूंगा, ये सेशन एंड करूंगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 20 मार्क का सवाल था 45 मिनट लगा दिए, कुछ भी ऐसे नहीं लगाने थे मैंने लगा दिए। अब आप मुझे बताएं क्या अगले सवाल के लिए जो कि अगेन 20 मार्क का है, क्या आपके पास 1.8 बचा है? जवाब दें ईमानदारी से, ईमानदारी से बताएं। अच्छा घर में जो आप सवाल करें वो आप 1.8 के हिसाब से नहीं करेंगे, घर में जो आप सवाल करेंगे वो मैं समझता हूँ 1.6 या 1.7 के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही कहा सारिम ने कि यार ये सवाल तो वो है जो सर आप क्लास में करा चुके हैं मेजोरिटी, तो जो किए हुए सवाल है उसके 1.8 करेंगे तो धोखा हो जाएगा, उसके 1.6 पे जाएं। बहुत सही बात की सारिम आपने। अच्छा अगली बार भी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, ऐसे मुझे घूम फिर के बात इस पे करनी है सारिम, बस ये देख लो क्या अगले सवाल के लिए आपको 1.8 है, मुझे ईमानदारी से बताएं। आप कैलकुलेटर साथ रखें, आप लोग अकाउंटेंट अभी हिसाब लग जाएगा, आपके पास 180 मिनट्स का 180 मिनट्स होते हैं पेपर में, आपके 45 मिनट माइनस हो चुके हैं, एग्री करेंगे 45 मिनट माइनस हो चुके हैं, आपके बचे कितने मिनट्स हैं? आपके 45 मिनट माइनस हो चुके हैं, आपके 135 मिनट बचे हैं, 135 मिनट को डिवाइड करें, अब कितने मार्क का पेपर बचा है? 20 मार्क का सवाल किया आपने, 80 मार्क का पेपर बचा है, डिवाइड करें क्या आ रहा है? जल्दी डिवाइड करें, टाइम भी नमाज का टाइम हो गया, मुझे एंड करना है सेशन यार, 1:30 बजे नमाज है, 126 हो गए, 2 मिनट है हमारे पास, जल्दी बताएं क्या आ रहा है एवरेज? 1.68, 1.7 कर दूं मैं, 1.7 कर दूं मैं, तो यार 1.8 तो जिंदगी में था ही नहीं, पहली बार मिला आपको 1.8, तो पूरे पेपर में आपको सिर्फ पहली बार मिलता है, जो मैं कह रहा था आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है 1.8, आपको 1.8 उसके बाद किसी भी सवाल में नहीं मिलेगा, मेरे वर्ड मार्क कर लें आप यार, एग्री कर रहे हैं इस बात को? अच्छा अगला सवाल भी क्या 34 मिनट में हो जाएगा? जवाब दे मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या 34 मिनट में हो जाएगा? मिले 34 मिनट में एक्चुअली कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली इसमें भी 40 लग गए। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन थ्री के लिए कितना टाइम बचा? 180 मिनट में से माइनस करते जाओ, लास्ट 2 मिनट 180 में से माइनस करते जाओ, 45 और 40 कितना बच गया? 95 बच गया खाली। और मार्क्स कितने बचे हैं? 60। डिवाइड करो 95/60 क्या बना? 1.58, यानी के 1.7 भी हाथ से गया। ये आपकी थॉट है, तो मैं ये कहूंगा यार घर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1.8 नहीं, जब आपको पता है आगे जाके पेपर में आपके क्या होने वाला है 1.6 1.7 होने वाला है, तो बिल्कुल सही है सारे। देखो तुम्हारे सवाल तुम्हारी चीज को ही मैं लॉजिक बना रहा हूँ, कि तुमने बात की थी कि 1.8 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 1.8 नहीं होना चाहिए, 1.7 1.6:1 होना चाहिए। तो घर में जो आप प्रैक्टिस करते हो सवाल 1.6 के हिसाब से कोशिश करो, और जो एयरली पेपर करोगे वहां मैं फिर भी मार्जिन दे रहा हूँ आपको, चलो ठीक है वहां थोड़ा वो कर लो। क्या ये बातें समझ आ रही है? टाइम मैनेजमेंट का मसला पेपर में बहुत ज्यादा है यार, हर दूसरे बच्चे को बल्कि मैं कहूंगा जो पेपर से पास, इनफैक्ट ऐसन वजी यार जिस बंदे का मेरिट आया आप उससे पूछो यार आपने पेपर पूरा किया, बोलेगा नहीं किया। साथ बिन सुहेल जिस लड़के का मेरिट आया हमसे पढ़ के December 21 में अलहमदुल्ला, आप उससे पूछो पेपर आपने पूरा किया साथ, वो बोलेगा नहीं किया। क्या ये बातें समझ आती हैं? क्या आज का सेशन आपको फायदेमंद लगा?